बुद्ध के जीवन की यह कहानी आपको जरूर समझनी चाहिए। अगर आपका उत्तर इन दो प्रश्नों के लिए हाँ है, पहला प्रश्न, क्या आपके न चाहते हुए भी आपके मन में सामने वाले व्यक्ति के लिए अश्लील विचार पैदा होते हैं? अब सामने वाला व्यक्ति स्त्री हो सकती है या पुरुष हो सकता है। दूसरा प्रश्न, क्या आप जानना चाहते हैं कि अपने भीतर कैसे उतरें? क्योंकि अगर आप अपने भीतर उतर गए तो पहले प्रश्न वाली समस्या बहुत छोटी है। इस तरह की बहुत सारी समस्याएं चुटकियों में खत्म हो जाएंगी। अगर हाँ तो यह कहानी आपको सिखाएगी, पर उसके लिए आपको इस कहानी को बड़े ध्यान से समझना होगा। गौतम बुद्ध के पास एक राजकुमार दीक्षित हुआ, वह बुद्ध का भिक्षु बन गया। सैकड़ों राजकुमार अपने राजपाट को छोड़ बुद्ध के भिक्षु हुए, वह भी उनमें से एक था। उस राजकुमार के भिक्षु बनने के एक दिन बाद ही बुद्ध ने उस राजकुमार को किसी श्राविका के घर भिक्षा टन के लिए भेज दिया। वह भिक्षु उस श्राविका के घर जाते वक्त रास्ते में यह सोचता जा रहा था कि जो भोजन मुझे प्रिय था वह भोजन तो अब शायद ही मुझे कभी मिलेगा। पता नहीं आज कैसा भोजन खाना पड़ेगा। वह भिक्षु उस श्राविका के घर पहुंचता है। श्राविका उस भिक्षु का स्वागत करती है और भोजन के लिए आसन ग्रहण करने को कहती है। वह भिक्षु बैठ जाता है और मन ही मन अपने प्रिय भोजन के बारे में सोचता रहता है। वह श्राविका रसोई घर में जाती है और उस भिक्षु के लिए भोजन पकाती है। कुछ समय बाद जब वह श्राविका भोजन पकाकर उस भिक्षु को परोसती है तो वह भिक्षु भोजन देखकर दंग रह जाता है, क्योंकि उस श्राविका ने वही भोजन पकाया है जो उस भिक्षु का प्रीतिकर है, जिसके बारे में वह सोचकर मन ही मन खुश हो रहा था। जिस भोजन को वह पहले से खाता आ रहा, जिस भोजन को वह पसंद करता है, वही भोजन उस श्राविका ने उसे परोसा। यह देखकर वह भिक्षु बहुत खुश होकर उस भोजन को ग्रहण करता है। भोजन करने के बाद वह भिक्षु मन ही मन यह सोचकर निराश होता है कि प्रतिदिन भोजन करने के बाद मुझे कुछ समय विश्राम करने की आदत थी, पर आज तो धूप में चलना पड़ेगा, वापस जाना पड़ेगा। इतने में ही वह श्राविका उस भिक्षु से कुछ समय के लिए विश्राम करने का आग्रह करती है। भिक्षु उस श्राविका की बात सुन हैरान होता है, क्योंकि भिक्षु विश्राम के विषय में ही सोच रहा था और उस श्राविका ने विश्राम के लिए ही कह दिया। फिर वह भिक्षु सोचता है, संयोग होगा, इतना क्या सोचना। वह भिक्षु लेटकर विश्राम करने लगता है। लेटे लेटे वह भिक्षु मन ही मन सोचता है कि जब मैं राजकुमार था तो महलों में रहा करता था, अब ना अपना घर है, ना धन है, ना परिवार, यहां तक कि मेरे सर पर इस छत का साया भी केवल कुछ देर के लिए है। इतने में ही वह श्राविका आती है और कहती है, भंते, ऐसा क्यों सोचते हो कि घर नहीं, परिवार नहीं, धन नहीं, यहां तक कि इस छत का साया भी कुछ देर ही रहेगा। तुम जितनी देर चाहो यहां रह सकते हो। उस श्राविका के द्वारा इतना सुनते ही वह भिक्षु उठकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि अब संयोग मानना कठिन था। अब तो बात बिल्कुल साफ थी। वह भिक्षु उस श्राविका से कहता है, मैं बहुत हैरान हूं, क्या आप मेरे मन के
विचारों को पढ़ सकती हो? वह श्राविका उस भिक्षु से कहती है, हाँ निश्चित ही, सबसे पहले मैंने अपने खुद के विचारों को देखना शुरू किया। ये विचार अनगिनत थे, पर मैंने अपना पूरा ध्यान इन विचारों पर केंद्रित किया और ये विचार धीरे धीरे कम होते चले गए, क्योंकि मैं ना तो किसी विचार के पक्ष में होती थी और ना ही किसी विचार के विपक्ष में, इसीलिए मैं इन्हें देख पा रही थी। और यही कारण है कि इन विचारों की संख्या कम होती चली गई। और फिर एक समय ऐसा आ गया कि विचार बिल्कुल विलीन हो गए, सब कुछ एकदम स्थिर हो गया। तब से मेरे भीतर व्यर्थ विचार चलते ही नहीं, तो इसीलिए दूसरों के विचार पढ़ लेती हूँ। वह भिक्षु तो उस श्राविका की बात सुन घबरा जाता है और उस श्राविका से लौटने के लिए आज्ञा मांगता है। वह श्राविका उस भिक्षु से पूछती है, इतने घबरा क्यों रही हो, क्या हुआ? पर वह भिक्षु उस श्राविका को कोई उत्तर नहीं देता और दौड़कर बुद्ध के पास पहुंचता है। बुद्ध के पास पहुंचकर बुद्ध से कहता है, क्षमा कीजिए बुद्ध, पर मैं अब वहां भिक्षा टन के लिए दोबारा नहीं जाऊंगा। बुद्ध उस भिक्षु से पूछते हैं, क्या हुआ, कोई गलती हो गई, क्या उस श्राविका से कोई भूल हो गई? वह भिक्षु बुद्ध से कहता है, नहीं कोई गलती नहीं हुई, वहां मेरा बहुत आदर सम्मान हुआ। लेकिन वह युवती दूसरों के मन के विचारों को पढ़ लेती है। यह तो बड़ी खतरनाक बात है, क्योंकि वह स्त्री सुंदर थी, इसीलिए उसे देखकर मेरे मन में तो काम वासना भी उठी थी, तरह तरह के विकार भी उठे थे। उस स्त्री ने तो वे सब भी पढ़ लिए होंगे, भला वह स्त्री मेरे बारे में क्या सोच रही होगी? अब मैं उस स्त्री के सामने भला दोबारा कैसे जा सकूंगा, उसे अपना चेहरा कैसे दिखा सकूंगा? अब मैंने तय कर लिया है, मैं वहां नहीं जाऊंगा। बुद्ध कृपा कर आप मुझे क्षमा कर दें। बुद्ध कहते हैं, वहीं जाना पड़ेगा, अगर इसी तरह से हार कर क्षमा मांगनी थी तो भिक्षु बने क्यों? बुद्ध कहते हैं, अब तो रोज तुम्हें भिक्षा टन के लिए वहीं जाना होगा, जब तक मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा तब तक तुम नहीं रुकोगे, यही तुम्हारी साधना है। लेकिन ध्यान रहे, होश पूर्ण जाना, जागे हुए जाना, यह देखते हुए जाना कि भीतर कौन से विचार उठ रहे हैं, बिना किसी विचार को सही या गलत ठहराए, बिना किसी विचार से लड़े, बस उन्हें देखना, होश पूर्ण देखना, पूरी जागरूकता के साथ देखना, यह देखना कि भीतर कौन सी वासनाएं उठ रही हैं, बिना उनसे लड़े बस उन्हें देखना। अगले दिन वह भिक्षु उस श्राविका के घर भिक्षा टन के लिए जाने लगता है। वह बहुत घबराया हुआ होता है और उसके साथ आज पहली बार वह भीतर जागा हुआ होता है। वह भिक्षु अपने भीतर उठ रहे विचारों को देख रहा होता है। आज पहली बार वह भिक्षु रास्ते पर जागा हुआ चल रहा है। रास्ते में आने वाला हर एक पेड़ पौधा, हर एक कंकड़ पत्थर उसकी नजरों से गुजर रहे होते हैं। जैसे जैसे उस श्राविका का घर करीब आ रहा था, उस भिक्षु का होश बढ़ रहा था, भीतर जैसे कोई दिया जल रहा हो, सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगा था। जैसे ही वह भिक्षु उस स्त्री के द्वार पर पहुंचा, एकदम एक सन्नाटा सा छा गया, सब कुछ स्थिर हो गया, सब कुछ शांत हो गया, मन में कोई विचार ना था, कोई वासना ना थी, होश पूर्ण रूप से जागरूक हो गया था। वह स्त्री आती है, दरवाजा खोलती है, उस भिक्षु का
स्वागत करती है। भिक्षु भीतर जाता है, भोजन करने के लिए बैठता है, भोजन करता है, कुछ समय विश्राम भी करता है और फिर लौट जाता है। पिछली बार निराश, हताश और दुखी लौटा था, लेकिन इस बार नाचता हुआ आता है। आकर बुद्ध के चरणों में गिर पड़ता है और कहता है, अद्भुत घटना घटी बुद्ध, जीवन रूपांतरित हो गया। बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, इसीलिए वहां भेजा था, अब वहां जाने की कोई जरूरत नहीं। अब तुम्हारा विवेक जाग चुका है। आंख बंद करने से स्थिति नहीं बदलती, आंख खोलकर स्थिति को देखने से स्थिति बदलती है। अगर बात समझ में आई तो कहिए हाँ, अगर लगे शेयर करने लायक तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक की शिक्षाएं पहुंचाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।